दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है त्रियोगी नारायण मंदिर का, जो कि श्रीनगर से शुरू होता है। और अभी मैं आपका शुरू कर रहा हूँ सीधे गुप्तकाशी से, क्योंकि यहाँ पे तक का आपने कई बार देख रखा होगा, तो आप लोगों को बोर न करते हुए सीधे आपको गुप्तकाशी से आगे का नज़ारा दिखाते हैं। और ये देखिए, आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, ये है आपका सामने ऊखी मठ, और जो नीचे रास्ता जा रहा है, रोड जा रही है, ये आपके जाते हैं तुंगनाथ चोपता होते हुए ऊखी मठ होते हुए, यहाँ से 30 किलोमीटर आगे चोपता है। और ये देखिए आप, स्नो वाला स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे, कुछ भले अभी तो इस बार बारिश हुई नहीं। और ये हमारी धन्ना, जो कि शायद काफ़ी बार बहुत दूर दूर तक आ जा चुकी है, तो ये रही। और इससे आगे आपको है गुप्तकाशी, तो ये है। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ गुप्तकाशी, यहाँ से गौरी कुंड आप देख रहे हो, केदारनाथ ऐसा कर सकते हैं, केदारनाथ अभी बंद है। तो मैं अभी जा रहा हूँ त्रियोगी नारायण, और जो आपके बोर्ड के जस्ट पीछे दिख रही पहाड़ी, ये आपका चौकम्बा है, नीचे से भी दिख रही होगी, और गुप्तकाशी का मार्केट है, शादी है, सुनसानी भी है, मार्केट बंद है, सभी है। आगे दिखाता हूँ आपको त्रियोगी नारायण। ये पहुँच गए हम सोनप्रयाग, सोनप्रयाग यहाँ से आपका केदारनाथ किले, और ये गया आपका त्रियोगी नारायण किले। हेलो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ त्रियोगी नारायण, और ये त्रियोगी नारायण से मंदिर से पीछे का व्यू है, ये देखिए हिमालय यहाँ पे, बर्फ, और ये गांव है कुछ इस तरह से छोटा सा, और इसके इस साइड को है त्रियोगी नारायण मंदिर। तो मैं आपको ले चलता हूँ आप इसे दे। आपका त्रियोगी नारायण मंदिर गेट, पे मंदिर के लिए प्रसाद मिल जाएगा आपका इजीली, और आपको आगे का रास्ता है। त्रियोगी नारायण मंदिर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह यहीं पर हुआ था। ब्रह्मकुंड, नहीं
नजारा यहाँ का कुछ ऐसा है।